अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी मॉम एंड हर गोल्स। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली टू टेल यू अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू अरेंज समर कैंप एट माय हाउस एंड हाउ आई एम डूइंग ऑल एफर्ट्स, आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स इन इट। सो यस, दिस जून जुलाई आई हैव प्लान्ड अ समर कैंप एट माय प्लेस। तो मैंने समर कैंप प्लान किया है एंड नाउ लेट्स सी के क्या रिजल्ट आते हैं। आई विल स्टे अपडेटेड हियर। मैंने बहुत सारी प्रिपरेशंस की हैं रिगार्डिंग दिस। आई हैव बाउट सो मैनी थिंग्स फॉर द केस एंड आई हैव ऑलरेडी अ लॉट्स ऑफ थिंग एट माई प्लेस। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, ये है कि ऑब्वियसली मटीरियल एंड एवरी थिंग आई बाउट माई सेल्फ एंड आई बाउट ऑल द थिंग्स फ्राम उर्दू बाज़ार एंड येस दे हैव अ वास्ट वराइटी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वराइटी मौजूद है एंड वहाँ जाने के बाद लाइक मुझे लगा कि क्या नहीं लिया जाए। तो येस आई हैव प्लान सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर किड्स एज वेल। तो कल है फर्स्ट डे रिगार्डिंग दिस समर कैंप एंड आई एम ऑल हेयर। जो मैं यहाँ पे अभी अरेंजमेंट्स कर रही हूँ लाइक फॉर समर कैंप। तो ऑब्वियसली जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं दे शुड बी सब्सक्राइब दिस चैनल जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर हेयर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि बहुत हैंडी एंड ईजी हैं, जो कि आप घर में आराम से जून जुलाई में बच्चों को करा सकते हैं। आइडियाज़ ऑफ वर्कशीट्स एंड दोज हु वॉन्ट्स वर्कशीट्स फॉर प्री स्कूल फॉर किंडरगार्टन 1-2 एंड ऑनवर्ड्स दे कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा इंस्टाग्राम लिंक यहाँ मौजूद होगा जो है डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जो है वर्कशीट्स बाय कर सकते हैं, प्लानर बाय कर सकते हैं एंड उसके अलावा ये है कि या अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन विद दिस। इस शेल्फ जो है इसमें हमने वो टॉयज रखे हैं जो कि बच्चे जो खेलेंगे, जिनको हम सेशन वाइज मतलब ग्रुप में डिवाइड किया है हमने। तो जिस टाइम पे दो ग्रुप्स एक्टिविटीज़ करेंगे तो एक ग्रुप का टाइम होगा जो कि प्ले करेंगे एंड इधर हमारा लाइब्रेरी सेशन होगा जिसमें हमारे पास जो है हर एज के लिए फ्रॉम 4 to 10 ईयर्स तक के लिए और इवन उससे अबव बुक्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ सारा कलेक्शन है और बाकी की बुक्स जो मैंने कल बताया था आपको मैंने सॉर्ट करके बॉक्स में रखती हैं। तो हम इसको रोटेट करेंगे लाइक आफ्टर 15 डेज वी रोटेट दिस। सो हियर आर सम बास्केट जहाँ पे टॉयज हैं। ये कार्ट है, इसमें किचन टॉयज है, उसमें कार्स और इस तरह के रिंग्स वगैरह हैं। ये डंकी हमारे पास मौजूद है जो कि ऑब्वियसली कि हम इसको ज़्यादा यूज़ करने नहीं देंगे बिकॉज बच्चे फिर इसमें करेंगे स्विंग है। हमारे पास दो स्विंग मौजूद हैं, एक स्विंग हमने यहाँ प्लेस किया है, एक हमने बाहर प्लेस किया है जो कि अभी हाफ प्लेस है और हाफ नहीं है। ये हमारा प्ले हाउस है, ये हमारा एरिया है जहाँ पे हम बच्चों को बिठाएंगे और जो है राइम्स वगैरह जो कि हम जो भी चीज़ें थ्रू टीवी मतलब थ्रू उसके हम पढ़ाना चाहेंगे लाइक जॉलीफोनिक साउंड्स है, म्यूज़िक वगैरह, वो हम यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ले चलती हूँ बाहर जहाँ हमारा एक्चुअल सेटअप है। तो समर कैंप नंबर वन डे लाइक आज इनॉग्रेशन हो जाएगा, समर कैंप स्टार्ट हो जाएगा एंड आई एम गोइंग टू शेयर क्लिप्स विद यू लाइक हमने किस तरह ऑर्गेनाइज की है चीज़ें, क्या सेटअप रखा है और बहुत मिनिमम चीज़ों में हमने ट्राई किया है कि हम जो है अच्छे से अच्छे चीज़ें हैं बच्चों को प्रोवाइड कर सकें एक्टिविटीज़ बिकॉज इट्स जो है लाइक समर कैंप का जो मोटिव होता है वो होता है यही है कि आप बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएं। पढ़ाई तो पूरा साल करते हैं सो हमारा मोटिव भी यही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स आई हैव डन हेयर जो मैंने सेटअप किया है मैं उसको दिखाती हूँ थोड़ा सा एंड देन जो है मैं मिलाऊंगी हमारे साथ मोहम्मद अहमद भी हैं जो कि समर कैंप का पार्ट है। आर यू रेडी मोहम्मद अहमद? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? यस, थम्स अप, से थम्स अप, थम्स अप। So we started with the name of Allah. हमने recitation की and then we proceed this summer camp with so many activities like worksheets and arts and crafts and painting. Kids enjoy their coloring and now from tomorrow we are going to do lots of more activities because today it was our first day so we make it lively and light for kids.